फ्रेजल वर्ब, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और एक प्रीपोजिशन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका मल्टीपल मीनिंग निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कहा पुट, तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन चेंज करते जाएंगे तो मीनिंग भी चेंज होता जाएगा। जैसे पुट आउट आग बुझाना, पुट अवे दूर रखना, पुट डाउन कुचल देना, पुट ऑफ पोस्टपोन करना। तो इसी तरीके से ये फ्रेजल वर्ब हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं अपनी इस सीरीज में, जिसमें मैं आपको रूट वर्ड्स बताऊंगा, फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा और भी सारे वर्ड्स आपको बताता चलूंगा, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद बच्चों।